संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों के दिनों में घर के बाहर के बहुत सारे काम हमें करने होते हैं और त्योहारों के लिए यदि हम लड्डू बनाने की सोचते हैं तो धीमी धीमी आंच पर सेकना है, पीसना, छानना और चाशनी बनानी, ऐसा लगता है इसमें तो सारा दिन ही निकल जाएगा। इसलिए आज हम बहुत ही आसानी से झटपट कुकर में बनने वाले रवा या सूजी मावा के लड्डू बनाएंगे। तो आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, पर प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। पहले आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, साथ में जो बेल आइकॉन है प्लीज आप उसे प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी रेसिपी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। सूजी मावा लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कप मतलब कि 125 ग्राम मैंने रवा लिया है और 3/4 कप मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। इसकी क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और 100 ग्राम मैंने बारीक पीसी हुई शक्कर ली है, ये भी आप आपकी जैसे शक्कर खाते हैं उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, इसको हमें बारीक कट करके लेना है। हरी इलायची को भी हमें बारीक पीस कर लेना है। 1 चम्मच हमें घी लेना है और दूध हमें जरूरत पड़ी तो हम दूध यूज करेंगे। सबसे पहले हम मावा इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं जिससे कि हम इसमें आसानी से रवा मिक्स कर सकें। मावा ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें सूजी मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हम इसमें घी मिक्स कर देंगे और सबको हाथ से अच्छी तरह हमें मिक्स कर देना है। इस तरह हम दोनों हाथ से भी अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर देंगे मावा और सूजी को। इस तरह ये रवा मावा एकदम अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इस तरह क्रम्बल टेक्सचर आ गया है इसका। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम कुकर में 1/2 ग्लास पानी डालेंगे थोड़ा, और इसमें ये कुकर की जाली रहती है इस प्रकार से, कुकर की जाली या कोई सी भी जाली वाली प्लेट इसमें नीचे रख देते हैं और मेरा ये डिब्बा इसमें कुकर में आ रहा है, मैं इसमें ये मिश्रण डालूंगी। आपका कुकर जरा हाइट वाला है तो आप इस प्रकार का डिब्बा भी ले सकते हैं कुकर में। अब मैं इसमें सारा मिश्रण निकाल लेती हूँ। ये खोया और मावा का मिश्रण हमने इसमें निकाल लिया है। अब इसको बंद करके टाइट बंद कर देंगे जिससे कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, और मैं कुकर में रख देती हूँ और इसका ढक्कन लगा देंगे। और अब हमें इसको गैस पर रखना है और इसकी हमें 4 से 5 सीटी लेनी है। ये मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है, अब इसकी फुल गैस रखना है हमें, 4 से 5 सीटी इसकी लेनी है। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है और ये लड्डू इतने टेस्टी और यम्मी होते हैं कि हम कोई भी आए तो ये इसकी तारीफ किए बिना रहता ही नहीं है। ये हम किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, त्योहार ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, फटाफट खाना बनाते बनाते ये लड्डू बन जाते हैं। मैंने 5 सीटी ले ली है और कुकर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसको खोल देते हैं और थोड़ा और ठंडा करके ये इसके अंदर का डिब्बा निकाल लेंगे। मैंने इसको थोड़ा ठंडा करके इसको ढक्कन खोल लिया है। अब हम इसमें पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। चीनी भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 100 ग्राम चीनी ली है और अब इसमें हम थोड़ी सी पीसी हुई इलायची मिक्स कर देते हैं। इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है मिक्सर में। पीसी हुई इलायची बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची की, इसको मिक्स कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे हम। अब सबको हाथ से मिक्स कर लेते हैं और जरूरत हुई तो हम थोड़ा सा दूध डालकर 1/2 चम्मच ही दूध हमें डालना है और इसके लड्डू बनाएंगे। ये एकदम इसको ठंडा नहीं होने देना है मिश्रण को, थोड़ा ये मिश्रण गुनगुना हो जिससे कि हम हाथ से लड्डू बना सके, इतना गुनगुना हो तभी हमें इसको करना है। और ये इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से दूध भी मिला सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा और आसानी से हमारे लड्डू बन जाएंगे। ये रेसिपी इतनी इजी है और इतनी फटाफट बन जाती है
कि कोई खास प्लानिंग करने की इसमें जरूरत नहीं रहती है हमें, कोई मेहमान भी आ जाए फटाफट बना दे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जब भी बनाएंगे तो आपसे जरूर इसकी रेसिपी कोई पूछेगा ही। ये देखिए इस तरह से लड्डू बना दीजिए आप आपके मनपसंद शेप के साइज के अनुसार, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इस तरह से हम दोनों हाथ से भी इसे बना सकते हैं। जब बाटी चूरमा का संडे स्पेशल प्रोग्राम हो उस समय में भी हम फटाफट ये लड्डू बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये हमारे रवा सूजी मावा के लड्डू तैयार है, इसे मैंने बादाम से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली एक रेसिपी के साथ। धन्यवाद।